हाँ प्लीज इट्स 11 चैप्टर वी आर डूइंग ना 11th सो दिस इज 11.2 सो मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट नाउ एवरीबॉडी नोज दैट व्हेन यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द ट्राइंगल इधर इट इज स्केलेन और इट इज आइसोसेलेस और इट इज लाइक equilateral triangle or you're talking about right angle triangle or you're talking about obtuse, acute, any of the triangle, the area for this particular triangle which is a three-sided polygon is 1 by 2 into base into height. Okay? 1 by 2 into base into height. Now when you talk about what is B, what is H, Remember, base means when you are talking about any of the side of a triangle. किसी भी triangle की तीनों side में से कोई भी side base हो सकती है. ठीक है? किसी भी triangle में उसकी जो sides होती हैं, तीनों sides होती हैं, वो कोई भी base का काम कर सकती है. Base means आप जिसको triangle को जिस base पे खड़ा कर दो, वही triangle, वही base बन गया. ठीक है? Like अभी ये triangle इस base पे खड़ा है, तो ये base हो गया. अगर ये ट्राइंगल हम जस्ट टिल्ट कर दें तो ये वाला इस बेस पे हो जाएगा. दैट मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेस एनी ऑफ द बेस कैन बी. नाउ व्हाट इज हाइट? इफ यू रिमेंबर आई टॉट यू व्हेन वी वर डूइंग द चैप्टर ट्राइंगल, हाइट का मतलब होता है जो भी साइड आप बेस लेते हो उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, दैट परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड हाइट एंड दिस इज कॉल्ड बेस. ठीक है? We call it height, we call it perpendicular distance, we call it altitude. If you remember, I taught you median and altitude. In that time only I taught you what is altitude. Altitude means from the opposite vertex, when you draw a perpendicular on the opposite side, then this is called height of the triangle. So remember, the formula for this triangle will be always base into height, 1/2 base into height. And remember, आप ये वाला बेस लो और ये वाली हाइट लो, ठीक है? या आप ये वाला बेस लो, ये वाली हाइट लो, in all the three cases, this area is never going to be changed. This area will remain same because everybody knows कि इस ब्लैक बोर्ड को, इस ग्रीन बोर्ड को अगर मैं ऐसे रखूं, ठीक है, या ऐसे रखूं, ठीक है, या इसके फोर्थ वाले पोर्शन पे रखूं, यू नो दैट कि जो अंदर का पोर्शन है वो वही रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट, चाहे आप कहीं से भी निकाल लो उसको सॉल्व करके. ठीक है? सो रिमेंबर, इन द सेम केस व्हेन यू टॉक अबाउट इन ट्राइंगल एज वेल, यू कैन टेक इट आउट एरिया बाय पुटिंग एनी ऑफ द बेस, एनी ऑफ द हाइट. But answer is not going to change. Okay? Area will remain same because area means the inside portion. So triangle bada chota thodi na hone wala hai. Triangle to wahi rahega. Chahe aap iska niche wala base leke chalo, ya side wala base leke chalo, ya bagal wala base leke chalo. So you can take any of the base with that particularly height of that corresponding altitude. Okay? So if you take it, the area will remain particularly same in all the cases. Is it okay? Are you understanding the concept of what I am going to tell you? Have yes, you got ma'am. That point? Okay. So remember, agar main ek bada sa triangle banaun, suppose I am making a big triangle. This is A, this is B, and this is C. Okay? All the three sides I took. Iske liye maine height mani. ये परपेंडिकुलर इस पर आ रहा है, इसकी हाइट मैंने मान ली सपोज x, ठीक है? एक इस पे आ रहा है, इसकी हाइट मैंने मान ली y, और एक मैंने इस पे लिया, इसकी हाइट मान ली मैंने z. इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो है वो तीनों ही केसेस में सेम आंसर देगा. या तो आप 1/2 इंटू ए इंटू एक्स रखो तब भी सही आएगा, ठीक है? 1/2 बी के साथ z था ना, हाँ z रखो तब भी सेम आएगा, या 1/2 उसके बाद आपने लिया c के ऊपर y जा रहा है तो ये आपने y रखा,
इन तीनों ही केसेस में अगर आप आंसर निकालते हो ना, आपको आंसर तीनों ही केसेस में सेम मिलेगा, ठीक है? यू विल गेट ऑल द थ्री केसेस, यू विल गेट द सेम आंसर. इफ 50 इज द आंसर, तो 50 आपको तीनों ही केसेस में मिलेगा, ठीक है? बिकॉज एरिया इज नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड, एरिया विल रिमेन सेम. इधर यू टेक ए एज अ बेस, यू टेक बी एज अ बेस, और यू टेक सी एज अ बेस, ठीक है? रिमेंबर बट द हाइट विच यू आर पुटिंग, इट शुड बी करस्पॉन्डिंग हाइट. करस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स ए के साथ आपको एक्स को ही लेना है. क्यों? क्योंकि ए के ऊपर कौन सा वाला परपेंडिकुलर आ रहा है? एक्स वाला आ रहा है, ठीक है? आप जब बी ले रहे हो तो बी के साथ आपको ध्यान देना है कि आप जेड को ही लोगे. क्यों आप जेड को लोगे? बिकॉज बी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है? जेड वाला आ रहा है, ठीक है? सेम थिंग सी के साथ आप वाई को ही लेंगे, बिकॉज सी के ऊपर कौन सा वाला परपेंडिकुलर आ रहा है? वाई वाला आ रहा है. एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज वेरी नाइसली टॉट बाय मी, इफ यू रिमेंबर व्हेन आई वॉज टीचिंग ट्राइंगल चैप्टर, ठीक है? तो अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट क्या होती है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. किसी भी ट्राइंगल की एरिया निकालना तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक अपन को उसकी हाइट पता नहीं होती, ठीक है? ओके. एंड अनदर फॉर्मूला, दैट वो हिरॉन्स फॉर्मूला होता है जो कि आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, दैट इज फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है? वो आपको मैं बताऊंगी इसमें, ठीक है? इस बार मैं इसको बताऊंगी आपको, लेकिन ये टॉपिक, ठीक है? शुड वी कंटिन्यू नाउ विद पैरेललोग्राम? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, ma'am, no doubt. Anyone, if you think that, do you have any doubt in this topic or should we continue with the next? Lavishka, she is not connected with audio and she is studying class. She is in 6B. Chalo. Now moving on to area of parallelogram. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं parallelogram में. So if I am talking about a parallelogram, always remember it is like a this kind of shape, जिसमें ये दो लंबी साइड होती है, ये दोनों थोड़ा बड़ी होती है, ये दोनों छोटी होती है थोड़ा, और अगर आप इसको टिल्ट कर दो तो ये लंबी हो जाती है, ये छोटी हो जाती है. एंड वी टॉक अबाउट दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस इज पैरेलल टू दिस साइड. पैरेलल के साथ साथ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है? दिस इज ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एज वेल, ठीक है? सो दिस इज द फिगर विच इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. सो व्हेन यू टॉक अबाउट पैरेललोग्राम, रिमेंबर ऑलवेज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पैरेललोग्राम, द फॉर्मूला रिमेन्स बेस इनटू हाइट. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई द फॉर्मूला बिकम्स बेस इनटू हाइट. ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोगों को पैरेललोग्राम का एरिया नहीं आता बेटा निकालना. रिमेंबर दिस पैरेललोग्राम को अगर हम ट्राइंगल के डायगोनल से डिवाइड करें, डिवाइड दिस पैरेललोग्राम बाय द डायगोनल, यू गेट टू ट्राइंगल्स. फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस, सेकेंड ट्राइंगल इज दिस, एंड दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दे आर ऑलवेज इक्वल ट्राइंगल, बिकॉज ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, और ये पोर्शन एकदम बीच से कट होता है. तो ये वाला ट्राइंगल जितना एरिया लेता है, सेम उतना ही ट्राइंगल ये वाला एरिया लेता है. तो अगर हम बात करें कि इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, सेम एरिया होगा इस वाले ट्राइंगल का भी 1/2 बेस इनटू हाइट. तो मतलब अगर मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो अगर मुझे इसका एरिया पता है दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, मैं जस्ट आई नीड टू मल्टीप्लाई विद 2, बिकॉज वी हैव टू पार्ट्स इन इट. तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, दैट इज व्हाई वी हैव द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट. डिड यू गेट दैट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू? आई एम टॉकिंग अबाउट, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. जब हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं बेटा, तो वी हैव टू ट्राइंगल्स. अगर हम उसको गौर से डायगोनल से डिवाइड कर दें, देन वी हैव टू ट्राइंगल्स इन अ पैरेललोग्राम. And both the triangles are equal, ठीक है? You can call it congruent triangle. Congruent एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे होने वाले. So when you have congruent triangle or you can call it equal triangle, तो area दोनों का same हो जाएगा, ठीक है? जब area दोनों का same होगा, तो एक का formula होता है 1/2 base into height, और अगर आपको just उसका दूसरे वाले का भी निकालना है और पूरा shape का find out करना, तो it will give you just you need to multiply with 2. 2 × 1/2 × base × height. So 2 से 2 जब आपका cancel हो जाएगा, the formula remains base into height. ठीक है?
आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन स्टेप अहेड की फॉर्मूला आया कैसे, अदरवाइज यू नीड टू ओनली लर्न दिस, ओनली दिस बेस इनटू हाइट. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ विल यू पुट द फॉर्मूला, रिमेंबर इन दिस केस ऑल्सो दिस इज कॉल्ड बेस. बेस मीन्स पैरेललोग्राम के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है. जैसे ट्राइंगल में मैंने आपको बताया दिस इज ऑल्सो बेस, दिस इज ऑल्सो बेस, दिस इज ऑल्सो बेस, दिस इज ऑल्सो बेस. जस्ट वन पॉइंट यू शुड नो कि किस पर उस समय खड़ा हुआ है. ठीक है, सो बेस कैन बी एनी ऑफ द फोर साइड. इट इज नॉट, डोंट ऑलवेज थिंक दैट जस्ट ये वाली साइड ही केवल बेस कहलाती है. नो, बेस कैन बी एनी फोर साइड्स आउट ऑफ दीज विच इज गिवन हियर. सो बेस हो गया ये, अगर हम इसको बेस लेते हैं देन उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर साइड आती है दैट इज कॉल्ड हाइट. सो अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी. अगर आपने ए को बेस लिया है तो ये हाइट होगी आपकी. ठीक है, और अगर आपने इस वाले को बेस लिया है जो सपोज सी दिया हुआ है तो आपकी ये वाली हाइट होगी. रिमेंबर इन ऑल द फोर केसेस यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट डिफरेंट हाइट. नाउ कैन यू टेल मी द एरिया विल चेंज और नॉट इफ यू पुट एनी ऑफ द डिफरेंट बेस देन अनदर बेस, एनी ऑफ द अनदर हाइट. कैन यू टेल मी विल इट चेंज, एरिया विल चेंज और नॉट, येस और नो? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. Like I have explained it to you for triangle. Please reply. Anjali Singh says, Amit says area will change. Okay. What about rest of the students? What do you think? If you put different base, okay. Anjali Arya says no. Surat says no. Rahul says no. Absolutely correct, beta. Remember, thank you, Suraj, for responding. After many days, you responded. And that too, that is absolutely correct. Very good, Suraj. Remember, you can take any base with a height of that which is given corresponding for that particular base. Area will never change. Why area will never change? It is just example of in front of you, the blackboard, jo ki maine aapko bataya. Aap उसको किसी भी साइड से रख करके सॉल्व करो, किसी भी साइड से रख करो, एरिया थोड़ी ना चेंज होने वाला. एरिया इज दैट ओनली, जो इनसाइड का पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज जस्ट सेम एज इट इज. ठीक है, वो पोर्शन चेंज नहीं होगा. सो रिमेंबर एरिया विल नॉट अफेक्ट. ठीक है, आप अपने घर के रूम में, सपोज आपका घर है, ठीक है, और आप अपने घर में, आपके घर में सपोज पांच दरवाजे हैं, ठीक है, आपके घर में सपोज पांच दरवाजे हैं घर में एंटर होने के. तो अगर आप फर्स्ट वाले दरवाजे से एंटर करोगे तो भी घर का साइज उतना ही होगा जितना आप फिफ्थ नंबर के दरवाजे से एंटर करोगे. ठीक है, रिमेंबर यू गेट इनसाइड फ्रॉम एनी ऑफ द डोर फ्रॉम योर होम, योर एरिया ऑफ योर होम विल रिमेन सेम. आर यू एग्री विथ माई लाइन? Do you agree with the line? Just tell me what I spoke in. आप घर के किसी भी कोने से घर में घुसो, किसी भी कोने से, either you went, you just get inside from the kitchen, or you get inside from the area of your back side of the door, or you just get inside from the front door. The area will never change because घर तो उतना ही area में है ना, घर तो fixed है, ठीक है, घर तो fixed है, so it is not going to change it. So remember, आप formula में कोई भी base रखो और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट सही होनी चाहिए, बस कि उस पे कौन सी हाइट आकर के परपेंडिकुलर बनी हुई है. सो इफ योर हाइट इज सेम, योर बेस इज करेक्ट, रिमेंबर योर एरिया विल आल्सो नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट, एरिया उसका वही रहेगा. ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, यू आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक मेंसुरेशन. Mensuration means in this chapter you will study about more and more about measurements. Measurement ke liye sabse zaruri hoti hai units. Theek hai, you cannot forget unit. Theek hai, if you forget the unit, it will just become a number. Theek hai, a number cannot be area. Always remember this part. If you forget writing units, meter, centimeter, kilometer, or whatsoever given in the question,
इफ यू फॉरगेट राइटिंग यूनिट्स रिमेंबर यू आर राइटिंग जस्ट अ नंबर एंड जस्ट अ नंबर कैन नॉट बी एरिया ऑफ एनी फिगर. ठीक है, सो राइटिंग द मेजरमेंट इज कंपल्सरी इन दिस दीज क्वेश्चंस. So checking the unit is also compulsory. How will you check it? Always remember, while checking, you have to check that whether both the units are in meter or not. अगर चार यूनिट दी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आधी आधी मीटर में दी हैं, आधी सेंटीमीटर में दी हैं. So अगर इसका टाइप का कंडीशन दी है, then you need to think about it and exchange it. You आपको सबसे पहले करेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अंजलि सिंह, you are raising hand. You want to speak something? बोलिए. If you see question number one, I hope everybody has NCERT book. Yes or no? I hope everyone has NCERT book. Yes or no? Please yes, reply. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, तुरंत से फटाफट बेटा NCERT book अपनी open करिए. Question number one देखिए. Question number one में you have the question, find the area of each of the following parallelogram. आपको पैरेललोग्राम दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से और आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो अगर आप गौर से देखो तो इस फर्स्ट वाले फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है 7, दैट इज द बेस बिकॉज इट इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो दिस इज बेस. और आप अगर गौर से देखो ये डॉट 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 करके बना हुआ है, यहाँ पर बना है साइन ऑफ परपेंडिकुलर जो कि इसी साइड पर आ रहा है, दैट इज 4. ठीक है, दिस इज 4. So remember, this is perpendicular. It means this is height. This is one of the side of the parallelogram. So this is base. It means the formula will be base into height for area. So what is base here? Base is 7. What is height here? 4. So answer would be 28. Now just check it. What unit is given in the question? The unit is given as centimeter. And you are finding out area. You are finding out area. So here answer would be a square centimeter. Got that or not? Please tell me yes or no. Reply in the chat box, please. This was question number A. This is question number E now. This is 4.4 centimeter and this is 2 centimeter. Now let me know what is the answer of question number E. Solve it and tell me what will be the answer of question number E and reply in the chat box. What answer will you get in question number E? Do it faster. Question number E, what answer you will get it? वेरी गुड. आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम, देखो फिर से वही गलती हुई ना बेटा अंजलि. देखते हैं हम किसने किसने आंसर लिखा है मुझे. ख्याति आप अपना आंसर एक बार चेक करो. अंजलि आ रहे, आप एक बार अपना आंसर चेक करो, मुझे पता व्हाट इज रॉन्ग. सूरज, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सूरज इज द फर्स्ट वन. लुक एट योर नाउ, just check your answer and let me know what answer you will get it exactly. I don't want any wrong thing. अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले ऊपर first वाला solve भी हुआ है. बताइए what is wrong in your solution? Who has done that? Now correct. हाँ ख्याति, अब आपका सही है और बीच में decimal लगाओ. You have written yes. Anjali Singh correct now. Rahul correct. Anjali Arya now absolutely correct. Now you understood what was wrong in it. Ananya, आपका सही था बेटा, नंबर सही था. अनन्या नंबर सही था, आपने यूनिट गलत लिखी थी. Remember area, when you talk about area, the answer will come in square unit. It will not be only unit, it will be square unit.
ठीक है, y स्क्वायर यूनिट कम्स बिकॉज यू विल टेक इट आउट, दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से जब सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट इट सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो हियर द आंसर वुड बी बेस इनटू हाइट 2 × 4.4. So 2 × 4.4 means 8.8, and both the question was in centimeter, so it would be square centimeter. Now it is not given in your NCERT. I am just giving you one question. Use your mind and give it, solve it. Acha, okay, Ananya, fine. But beta, you can write it down SQ na beta. आप SQ लिख सकते हो ना, that will be understanding by me also. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, एंड यू टेल मी वॉट विल बी द आंसर इन दिस केस. ठीक है, दिमाग लगाइएगा एंड लेट मी नो वॉट आंसर यू विल गेट. दिस इज फ्रॉम आर डी, नॉट फ्रॉम आर एस, नॉट फ्रॉम NCERT. Yes. Ma'am, it's 4.20. 420 centimeter. 420 centimeter. Answer is should be in personally, huh? Not everyone wale mein. Just give me the answer personally. Ma'am, I send my answer. I want answers from everyone. You do it faster. Only height is 420 centimeters. So first I'll convert this one, it will give you 4.20 meters. Now you have just simple formula, area is base into height. So base into height ke according kya ho jayega? 5 × 4.20 square meter. Theek hai? The question, the answer will come in meter, square meter. So when you will solve it, it will give you 4 × 0 = 0, 4 × 2 = 10, carry I 1, 4 × 5 = 21, 21.00 square meter. It means the correct answer would be only 21 square meter. और अगर आप वही अगर हम solution करते हैं उस वाले form में, then you will have two more zero. It means the answer would be 21000. Yes, my answer is correct. Yes, it would be, yes, it's 4.20 beta. If you need to solve it in 20 square meter, the answer would be 21 square meter. Anjali Singh, aap square centimeter likh rahe ho beta. Centimeter nahi, agar aap meter mein karte ho, then square meter mein this answer would be there. If you write it down in centimeter square, it answer would be 21000 square centimeter. Remember, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर यू विल हैव 40 का डिफरेंस, नॉट 20 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस. ठीक है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 40 का डिफरेंस, नॉट 20 का डिफरेंस. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो क्वेश्चन नंबर वन इज कंप्लीटेड. Now moving on to question number two, where we have to find it out the area of following triangles. So let us
come to the topic area of triangles. ठीक है. So how to find out area of triangle which is already told by me just in the beginning here. Now let us find it out some application based question here. So question number 2 we are discussing now. Question number 2 may find the area. Now just I am taking a normal question. Pehle, sabse pehle simple wala. If you see this is a triangle. Here it is given as 4 cm and this is as a height here which is 3 cm. Again the simple thing you need to only put the value. You know the formula becomes 1 upon 2 base into height. Beta, sabse main cheez hai. It is not tough. But remember the the formula. Just 1/2 ka difference hai beta formula mein. Yaad rakhiyega. 1/2 ka difference hai. If you put 1/2, you are having the formula of triangle. And if you are not putting 1/2, you have the formula of parallelogram. Theek hai? So remember parallelogram se chota kaun hota hai? Triangle. To yaad rakhiyega, ye 1/2 hota hai yahan pe, half. Theek hai? Aur parallelogram bada hota hai, isliye wahan par hota hai 1 direct b into h. It is not any half. Theek hai? So now we'll just put the value 1/2 will remain like this. Base means 4 and height means 3. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. Answer would be 6 square centimeter because question was in all about centimeter. Correct. Absolutely correct. Now should I give you one question? Will you do that? Isko ek question dete hain. Theek hai isme? Yes ma'am. Give. This is 4 cm and this is 3 cm. Can first thing you tell me which kind of triangle? Right angle triangle. Isme alag se kyun nahi diye height? Bata sakte ho aap? Ma'am, because its altitude and this height both are same. Aur koi answer? इसके अलावा ख्याति आंसर सही है आपका क्लोजर टू द आंसर बट आई जस्ट वांट टू नो अनदर वर्ड व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय मी मैम इट्स परपेंडिकुलर इज ओनली इट्स हाइट करेक्ट रिमेंबर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद होगा जब हमने ट्रायंगल पढ़ाया था आपको आई टॉट यू दिस कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल उसकी जो हाइट होती है ना वो उसका एल्टीट्यूड खुद ही होता है उसमें पहले से हाइट मौजूद होती है ठीक है अगर आपको थर्ड हाइट बनानी है तो आप उसमें बना सकते हो तीसरा वाला जो कि अननोन दिया हुआ है इसमें 4 और 3 दिया है ना एक जो मिसिंग दिया उस पर एक परपेंडिकुलर जा सकता है बट दो परपेंडिकुलर इसमें पहले से दिए होते हैं जो 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है तो कोई अगर गौर से 4 को 3 रखना चाहे तो भी सही है 3 को 4 रखना चाहे तो भी सही है मतलब यू कैन हैव दैट नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस मैम वी हैव टू सॉल्व इट विद पाइथागोरस थ्योरम Na 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 na. No need to find it out by Pythagoras theorem. Here you need only put the value. Nothing extra. What answer will you get it here? You have base. You have height. Only just tell me the answer. No, Khyati, it will not be 12. Yes. Ananya, how you got answer 9? Can you explain? Ananya, how you got the answer 9? Can you explain me? Again, you are writing centimeter and meter again. Please check it. You are doing area. You cannot write simply centimeter. You need to always remember you are talking about area. You should know the difference between area and this one, centimeter square. Now, fine. Suraj, correct. Take care of the units, beta. Units are compulsory. Fine. What about rest of this? Ananya, mujhe batao pehle aapka 9 kaise aaya tha? See, upar wahi question kiya hua hai. Upar just same question kiya, yahi par, yahan par bhi wahi kaam karna hai. 1 upon 2, base mein rakha aapne 3, height mein rakha aapne 4. 2 ones are 2, 2 twos are 4, and answer will be 3 twos are 6. Question was in centimeter, here also centimeter. Square
सेंटीमीटर. फिनिश्ड. अंडरस्टूड? टेल मी यस और नो. जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. अनन्या मैम आई हैड अ कंफ्यूजन. बिल्कुल बोलिए जरा इफ यू हैव अ कंफ्यूजन और यू हैड अच्छा अर्लियर. ओके फाइन फाइन थैंक यू. अनुपमा क्या समझ नहीं आया आपको बोलिए. ये परपेंडिकुलर का जो ये साइन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड हाइट. दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. यहाँ देखो ये भी परपेंडिकुलर का साइन है, ये भी परपेंडिकुलर साइन है. दिस इज कॉल्ड हाइट. हाइट कितनी दी हुई है? 4. दिस इज द बेस ऑफ अ ट्राइंगल. दिस इज 3. तो 3 एंड 4 जस्ट बेस की जगह पर आपने 3 रख दिया, हाइट की जगह पर आपने 4 रख दिया. 2 2s are 4 कैंसिल कर दिया, 3 2s are 6 आ गया. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, वी स्टिल हैव 3 minutes. आई थिंक वी कैन डू दैट. सो इफ वी विल कंप्लीट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4. देखो 3 and 4 में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. आई एम टीचिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4. आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की टेबल देखो बेटा, इसको टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है. सो अगर आप गौर से देखो तो उसमें आपको एरिया दिया रहेगा. ठीक है, एरिया दिया, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन जो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में सिंपल इक्वेशन में पढ़ा है. एरिया सपोज यू हैव 12, ठीक है, यू हैव बेस ऑल्सो एंड इट इज टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 12 square meters. बेस इज गिवन हियर 3 meters. And you need to find it out height. Suppose इस तरीके का question है, ठीक है? तो आपको क्या करना है यहाँ पर? दोनों में से कोई भी एक चीज missing हो सकती है, ठीक है? दोनों में से कोई भी एक चीज missing. Just you need to put the formula. Area is equals to 12 रख दिया, 1/2 रख दिया, बेस रख दिया, हाइट रख दिया और यहाँ रख दिया 12, ठीक है? 1/2 as it is रहेगा. बेस की जगह पर हमने रख दिया 3, हाइट की जगह रख दिया हमने h only. Now just transfer the values. How will you transfer the value? H is equal to पहले यहाँ 2 divide में, यहाँ जा करके multiply में हो जाएगा 12 into 2. ये 3 ऊपर था, ये 3 आ जाएगा नीचे. 3 1s are 3, 3 4s are 12. H कितना आ गया आपके पास? 8 meters. Only you need to solve it by using simple equation. Are you getting it? Just you need to transfer the values and you will get the answer. Only formula will remain same. Formula will remain same. Are you getting that? Or should I explain you one more? Yes, ma'am. Okay. Should I now one more question? I am taking it up here. Where this was area of triangle given. Okay. Agar I am taking screenshot. Just a minute. Now, agar is question ko main hata dun aur question ab is bar aapko de diya. कि यू हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 48 square meters. सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव हाइट. दिस टाइम क्वेश्चन में आपको हाइट दी हुई है. हाइट है सपोज 12 meters एंड यू नीड टू फाइंड इट आउट बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम. क्या करोगे? सेम वही काम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट. ठीक है, इट मींस बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 48 रख दिया हमने. 48 बेस कितना है? बेस हमें पता ही नहीं है तो बेस को बेस रहने दो. हाइट हमको पता है, दैट इज 12, तो लेट इट बी 12 नाउ और 48 विल रिमेन हियर. ठीक है, अब यहाँ पर बेस यहीं पर रहेगा. 48 डिवाइडेड बाय 12 4s are 48. Answer would be base is equals to 4 meters. Did you get that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So remember, formula is yes, formula remains same. Remember, beta, formula will be same in all the cases. आपको बस एक चीज missing हो जाएगी. तो जो चीज missing होगी वो आप simple equation लगा करके transfer करके solve कर लोगे. So just today you will be trying question number 1, 2, 3, and 4 from this exercise. Rest of the question we will be discussing it tomorrow. Okay? Question number 1, 2, 3, 4.
will be as the homework of today. Clear? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, you ma'am. You may leave bed. You may, if you have doubts, you can leave.